गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज इस कंडक्टर्स चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघटक क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है NaCl, KCl। तो वे इलेक्ट्रोलाइट जिनकी कि तुल्यांक या मोलर चालकता सामान्य सांद्रता पर काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है, काफ़ी हाई वैल्यू होती है, और यदि हम उनको डाइल्यूट करते हैं तो तुल्यांक चालकता की वैल्यू बहुत थोड़ी ही बढ़ती है। इसके विपरीत वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि सामान्य सांद्रता पर इनकी तुल्यांक या मोलर चालकता की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन हम डाइल्यूट जैसे करते हैं तो इनकी वैल्यू तेज़ी से बढ़ती है। तो इन शॉर्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं जिनकी मोलर चालकताओं का मान डाइल्यूशन से अधिक प्रभावित नहीं होता, डाइल्यूट करने पर कोई ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके विपरीत वे इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनकी मोलर चालकताओं के मान डाइल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब हम देखेंगे कि कंडक्टेंस बिहेवियर कैसा होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देख लेते हैं कि इनका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसा होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुल्यांक चालकता तथा सांद्रता के बीच में, ये जो C है ये सांद्रता है, तो तुल्यांक चालकता यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा तथा सांद्रता के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक संबंध दिया, रिलेशन दिया, और ये रिलेशन दिया था डिबाय ऑनसेगर ने दिया, डिबाय ऑनसेगर इक्वेशन इसको कहते हैं। तो ये है इक्वेशन लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी, ये वाली इक्वेशन है। यहाँ जो स्मॉल बी है ये कांस्टेंट है जिसकी की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है और टेम्परेचर क्या है। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल यदि NaCl लिया है तो हम कहेंगे 1-1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि दोनों की वैलेंसी एक एक ही है। उस तरह से यदि BaCl2 है तो हम कहेंगे 2-1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया है क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 है और Cl की वैलेंसी 1 है। यदि हम मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तो हम कहेंगे ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, 2-2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि दोनों की वैलेंसी 2-2 है। तो जो B कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू डिपेंड करती है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, सॉल्वेंट के नेचर पर और टेम्परेचर पर। सभी इलेक्ट्रोलाइट की जो पर्टिकुलर टाइप के हैं सेम वैल्यू फॉर द कांस्टेंट B। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं जो पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं यानी कि 1:1, 2:1 या 2:2 के, इनकी बी की वैल्यू समान होती है, कांस्टेंट होती है। अब लैम्डा इनफाइनाइट क्या है, लैम्डा इनफाइनाइट है अनंत तन्यता पर तुल्यांक चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उस तरह से लैम्डा सी है सी सांद्रता पर तुल्यांक चालकता, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सी पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। और ये इक्वेशन यानी कि ये जो डिबाय ऑनसेगर इक्वेशन है ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर ठीक से वेरीफाई होता है, या दिस इक्वेशन इज फाउंड टू होल्ड गुड एट लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यदि हम लैम्डा सी और अंडर रूट लैम्डा सी और अंडर रूट सी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें लीनियर रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। कब, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर। देखिए ये ग्राफ आपको दिख रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर, ये KCl का केस है, पे एक लीनियर ग्राफ प्राप्त होता है, लेकिन हायर कॉन्सेंट्रेशन पर ये लीनियर नहीं रह जाता। देखिए ये ऐसे इस तरह से आया फिर ऐसे हो गया, तो इसका मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन पर वो लीनियर नहीं रह पाता, जैसे ये यहाँ पर आपको फिगर में KCl का केस लिया हुआ है। अब
हम देखते हैं कि इस ग्राफ से एक्सप्लेन करें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KCl, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड। तो इस ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है, यानी कि डाइल्यूशन इधर ऐसे बढ़ रहा है, तो कंडक्टेंस का मान बहुत कम बढ़ता है। ये देखिए आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस क्या हो रही है, जो ये ये इधर कंडक्टेंस है ना, तो यांग चालकता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो इसके चालकता का मान बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से सॉल्यूशन में डिसोशिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि पूरी तरह से तुरंत सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाते हैं, और पूरी तरह से डिसोशिएट है इसलिए नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट ही रहते हैं, इसलिए ये इंक्रीज आप देख रहे हो बहुत कम हो रहा है। तो अब ये लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वृद्धि हो रही है कंडक्टेंस की वैल्यू में। तो इसका कारण क्या है कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, चूँकि हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो आयनों के बीच में जो आकर्षण है वो कम हो रहा है, क्योंकि आयन्स दूर दूर जा रहे हैं, और इस वजह से कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। और जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं कंडक्टेंस बढ़ता जाता है, और ये वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। ये लैम्डा की यहाँ पर ये क्या है, वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, और ये है लैम्डा इनफाइनाइट, यानी कि तुल्यांक चालकता अनंत तनुता पर। तो ये एक्सप्लेनेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकली। अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पर आ जाते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ यदि हम कंपेयर करें तो वो कम डिसोशिएट होते हैं। अब यदि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोशिएट होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए फिगर में वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से समान सांद्रता पर बहुत कम है। अगर मान ली ये सांद्रता हम ले लेते हैं, यहाँ सांद्रता है, तो अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं सांद्रता पर, तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की वैल्यू आप देखिए कितनी है, सेम सांद्रता पर काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अब हम देखें इस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में, कि यदि हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो क्या होता है। तो अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस स्पेशली नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि यहाँ के करीब, देखिए बहुत तेज़ी से कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि आयनाइजेशन भी वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में डाइल्यूशन बढ़ाने पर आयनाइजेशन में वृद्धि होती है। अब चूँकि डाइल्यूशन बढ़ता है कंडक्टेंस बढ़ता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीजेस, हाउएवर इट डज नॉट रीच अ लिमिटिंग वैल्यू। तो लेकिन यहाँ पर हमें लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। ये वाला देखिए आप ग्राफ सीधे चला जा रहा है, पैरेलल है वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है एसिटिक एसिड वाला ग्राफ। इसका मतलब हमें लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू प्राप्त ग्राफ से नहीं हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ को जब हम एक्सट्रापोलेट करते हैं, यानी कि ग्राफ को जब हम वाई एक्सिस की तक बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रापोलेट बहिर्वेशित करते हैं, तो हमें लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यदि हम लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो हमें ये एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से, बहिर्वेशन विधि से, एक्स्ट्रापोलेशन की विधि से लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू प्राप्त नहीं होती। आप इसको बढ़ाइए इस ग्राफ को, तो ये वाई एक्सिस पे टच नहीं करेगा, ये सीधे ऊपर जा रहा है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोलराउश एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना लॉ आगे रखा कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इनफाइनाइट को कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखें कि कोलराउश लॉ क्या चीज़ है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इनफाइनाइट का मान हम एक्सट्रापोलेशन मेथड से नहीं निकाल पाते, जैसा भी आपने ग्राफ के द्वारा, अभी फिगर के द्वारा समझा था। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कोलराउश का एक नियम है जिसका नाम है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स।
इस नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता का मान उसके दोनों आयन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन भी होगा नेगेटिव आयन भी होगा, तो दोनों आयन के तुल्यांक आयनिक चालकताओं के योग के बराबर है, यानी कि लैम्डा इन्फाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस इन्फाइनाइट एंड प्लस लैम्डा माइनस इन्फाइनाइट, दोनों आयनों के लिए अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता। और साथ में ये न्यू प्लस और न्यू माइनस है, इलेक्ट्रोलाइट का जो फॉर्मूला है उसमें पॉजिटिव आयन की संख्या न्यू प्लस है और नेगेटिव आयन की संख्या न्यू माइनस है, और लैम्डा प्लस इन्फाइनाइट है पॉजिटिव आयन की तुल्यांक चालकता इन्फाइनाइट डिल्यूशन पर, उसी तरह से लैम्डा माइनस इन्फाइनाइट है अनंत तनुता पर इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन की तुल्यांक चालकता। अब हम लेंगे क्या है इस कोलराउस लॉ का, की उपयोगिता क्या है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हम लैम्डा इन्फाइनाइट निकालने के लिए कोलराउस नियम का उपयोग करते हैं। अब उपयोग में दो मेथड हैं जिसके के द्वारा हम लैम्डा इन्फाइनाइट को निकाल सकते हैं। दोनों ही मेथड में कोलराउस लॉ का उपयोग करा है। पहले मेथड में हम अभिगमांक ट्रांसपोर्ट नंबर का भी यूज़ करते हैं। तो देखिए, पहले तो कोलराउस के नियम से लैम्डा इन्फाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस इन्फाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस इन्फाइनाइट। अब किसी भी आयन की आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए ये क्या चीज़ है, लैम्डा प्लस इन्फाइनाइट एंड लैम्डा माइनस इन्फाइनाइट क्या है, किसी भी आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो किसी भी आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यदि हमें ज्ञात करना हो तो हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चुनना पड़ेगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कि वह आयन प्रेजेंट हो। अब चूंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें एक पॉजिटिव, पहले एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चुनेंगे स्ट्रॉन्ग जिसमें कि पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो, फिर एक कोई दूसरा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चुनेंगे जिसमें कि ये नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल, यदि हम सोडियम एसीटेट ले लें, मान लें कि अगर हमें एसिटिक एसिड की लैम्डा इन्फाइनाइट निकालना है और एसिटिक एसिड कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बहिर्वेशन विधि से नहीं निकाल सकते, तो क्या करना पड़ेगा, एसिटिक एसिड में दो आयन हुए, एक तो है CH3COO और दूसरा है H+। तो हमने क्या कहा, इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों आयनों के लिए लैम्डा प्लस इनफाइनाइट और ये लैम्डा माइनस इनफाइनाइट ज्ञात करने के लिए हमें दो ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चुनने होंगे, एक में ये आयन प्रेजेंट हो और दूसरे में ये वाला आयन प्रेजेंट हो। तो जस्ट, तो जब दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चुन लेंगे तो फिर उसमें फिर हम अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता को उसके ट्रांसपोर्ट नंबर से गुणा कर देते हैं। देखिए, ये रहा लैम्डा इन्फाइनाइट कौन से इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें कि प्लस आयन प्रेजेंट हो, और उसके हम कैटायन के ट्रांसपोर्ट नंबर से गुणा कर देते हैं तो हमें लैम्डा प्लस इन्फाइनाइट की वैल्यू मालूम हो जाती है। उसी जैसे लैम्डा माइनस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू Na एंड लैम्डा इन्फाइनाइट। तो ये तो पहला मेथड है। अब हम देखें दूसरा मेथड। इस मेथड को भी समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का। अब यहाँ पर तो हमें दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही चुनने थे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लैम्डा इन्फाइनाइट को ज्ञात करने के लिए केवल दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चुनने थे। यहाँ पर हमें किसी वीक यानी एसिटिक एसिड के लिए ही अगर हमें लैम्डा इन्फाइनाइट की वैल्यू मालूम करनी होगी तो हमें तीन इलेक्ट्रोलाइट चुनने होंगे, तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने किसको किसको चुना है, NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट। देखिए कैसे ध्यान रखते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट में तो एसीटेट आयन है, इस HCl में प्रेजेंट है H+, यानी कि एसिटिक एसिड का H यहाँ प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड में दो आयन है उसका H तो इसमें HCl में प्रेजेंट है और एसीटेट आयन यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन अब दो आयन एक्स्ट्रा रह गए, कौन कौन से, NaCl, तो इसलिए हम तीसरा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं NaCl का। तो हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि
एसिटिक एसिड के लिए हम कैसे निकालें उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। तो अप्लाइंग कोलराउस लॉ, अब ये चार ले लिए, चारों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। तो कोलराउस लॉ को जब अप्लाई करते हैं तो लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ सोडियम एसिटेट, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन के लिए तुल्यांक चालकता हो गई। उसी जैसे HCl के लिए भी हम लिख सकते हैं, उस जैसे NaCl के भी लिख सकते हैं। और जो एसिटिक एसिड जिसकी कि हमें निकालनी है उसके लिए कोलराउस लॉ का उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगी आयनिक चालकता के योग के बराबर। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 और माइनस 3 जो एक्स्ट्रा आयन है उसको हम माइनस के साथ लिखते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड ये लिख लिया, फिर लेफ्ट हैंड की ये चीज़ लिख ली और NaCl का माइनस NaCl के साथ लिख लिया। अब उसी तरह से इसको और इसको प्लस, ये और ये प्लस, और फिर ये तीसरे वाली इक्वेशन का ये माइनस। अब देखिए ये कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद क्या बचा, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H प्लस आयन, और ये इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये इज इक्वल टू होता है लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड के। तो ये क्या चीज़ है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू हमने कैसे निकाली, विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यदि हमें न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू निकालने को कहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम एसिटेट की वैल्यू और HCl की वैल्यू को तो हम प्लस करेंगे और इसकी वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हम लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये तो एसिटिक एसिड का एग्जांपल हमने लिया। अगर मान लीजिए आपको NH4OH, NH4OH भी कैसा है इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यदि हमें इसकी लैम्डा इनफाइनाइट निकालना है तो फिर अगेन हमें तीन इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो तीन इलेक्ट्रोलाइट में तीनों स्ट्रांग होने चाहिए। तो पहला हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें कि NH4 आयन प्रेजेंट है, तो क्या ले लेते हैं, NH4Cl। दूसरा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लें जिसमें OH आयन प्रेजेंट हो, यानी कि क्या हो जाएगा, NaOH। अब एक में ये NH4 आ गया, दूसरे में OH आ गया, अब एक्स्ट्रा आयन क्या रह गए, NaNCl, इसको कैंसिल होना है। तो तीसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लें हम, NaCl। तो यदि मान लीजिए न्यूमेरिकल ने पूछा है कि NH4OH की यानी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए लैम्डा इनफाइनाइट निकालिए और आपको निम्न डेटा दे रखे हैं, यानी कि अमोनियम क्लोराइड के लिए लैम्डा इनफाइनाइट, NaOH के लिए और NaCl के लिए लैम्डा इनफाइनाइट दे रखा है। तो आप कैसे निकालोगे, आप करोगे उस तरह से जैसे लैम्डा इनफाइनाइट, जैसे हमने यहाँ लिखा है, क्या लिखोगे, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaOH माइनस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl। तो इनकी वैल्यू रखकर हम लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NH4OH की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आज बच्चों यहीं तक लेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे लेंगे आयनों की गति या आयनिक मोबाइलिटी। थैंक यू।